में ऐसा होता है कि आप लोग अपना प्रश्न, हो सकता है क्लास में कोई डाउट रह गया, क्लास में कुछ पूछना रहा और नहीं पूछ पाए, तो अभी मॉडल्स ज्यादा हम खींचे भी नहीं है। अभी मॉडल्स बहुत इजी वे में है, आसान से हम लोग मॉडल्स बना सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ उसमें फोकस करना होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में ही मॉडल्स आता है। तो जाहिर सी बात है कि हमने बार बार हिंट किया है, कि बार बार समझाया है कि ऑक्सिलरी वर्ब में हमने सीखा है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी और एक मॉडल, जिसके जो अभी हम पढ़ रहे हैं हम लोग मॉडल्स के बारे में। तो प्राइमरी में हम लोग क्या पढ़ते थे, उसमें हमने बताया है मेनली जो डू डज और डिड का प्रयोग था वो हमने बताया। अब बाकी तो सिर्फ बी फॉर्म है, बी फॉर्म में क्या क्या आता है, इज एम आर वाज देयर। अब ये इज एम आर वाज देयर तो हमें पढ़ाना नर्सरी क्लास को है नहीं, इज एम आर वाज देयर पढ़ाएंगे। इसमें कुछ बताने लायक है ना, तो इसमें हम आपको हैज नहीं है बताएंगे, हैव फैमिली के बारे में, क्योंकि ये हम आपको बता सकते हैं। हैव फैमिली में क्या होता है कि हैव फैमिली का प्रयोग हम टेंस में भी पढ़ते हैं, हैव फैमिली का प्रयोग अभी मॉडल्स में एक आएगा है ना, हैव में मॉरल ड्यूटी के लिए है ना, ऑब्लिगेशन में आता है। टू हैव का प्रयोग ये हमको यहाँ मॉडल्स में पढ़ना है, ऑब्लिगेशन के लिए। हमने ये भी बताया था कि मॉडल्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, किन परिस्थिति में, किन सिचुएशन में, किस कंडीशन में, व्हाट कंडीशन एंड सिचुएशंस वी नीड टू यूज द मॉडल्स इन द सेंटेंसेस। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हमें सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यदि हमें किसी को सलाह देना है, एडवाइस, हमने ये भी बताया था कि यदि किसी को परमिशन देना है या परमिशन लेना है, परमिशन टेक परमिशन गिव, तो Yes. देना है या लेना है, तो टेक और गिव दोनों दोनों। इनफॉर्मल में और एक फॉर्मल में. और यहाँ भी हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब परमिशन लेना है, परमिशन देना है, तो ये भी फॉर्मली होता है और इनफॉर्मली होता है। तो फॉर्मली क्या होता है और इनफॉर्मली क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, तो हमें आसान हो जाता है मॉडल्स पढ़ने में। तो फॉर्मली क्या है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मली, फॉर्मल ऐसे भी यदि इसको हम इस तरह से समझे कि जब हम स्कूल जाते हैं या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं या वॉकिंग के लिए जाते हैं, इन अवर डेली एक्टिविटीज वी कैन चेंज आवर ड्रेस कोड एंड वी कैन यूज द डिफरेंट ड्रेस एंड यूनिफॉर्म्स इन दैट कंडीशन। जैसे अभी जैसे हमको खाना बनाने जाना है, वैसे तो जनरली घर में किचन में है तो कुछ बन गए, लेकिन सेफ के लिए क्या, रेफरेंस सेफ जो होता है एप्रॉन पहनता है उसका कपड़ा, हाँ जानते हो और शेफ कैप. एप्रॉन और सेफ कैप, तो मालूम है उसका कपड़ा का अलग सा नाम है, यहाँ से व्हाइट रहता है, ठीक है ना। जैसे नर्स लगता है ना कि नर्स है, लगता है कि नर्स जो कपड़ा पहनती है वो नर्स जैसा कपड़ा पहन लेता है। तो स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट नाइट जब पहली बार हमने देखा था एप्रॉन पहने हुए था, और वो मतलब फिर सोचिए नहीं आता था, टीवी पर सलूशन आता था, अक्षय कुमार का आता था मिस्टर मास्टर सेफ करके, आता था ना मिस्टर सेफ खाना बनाने का, शेफ हाँ मास्टर सेफ आता था। तो मास्टर सेफ में उसमें अभी भी देता आते हैं. है, हाँ अभी भी आता होगा, उसमें देता है पहनने के लिए, ऐसे पहन लिया वो क्यों होता है। और ये इसमें साइंस में क्वेश्चन भी आते हैं, साइंस में क्वेश्चन में जो कुक होते हैं वो व्हाइट कलर का कपड़ा क्यों पहनते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता था, इसमें जवाब देना होता था, ठीक सर ये है। पता तो है. व्हाइट कपड़ा ही क्यों पहनते हैं, ये सवाल था वहां पर, चाहे वो और कोई भी कलर का, रेड ग्रीन इस प्रकार का यूज कर सकते थे, लेकिन व्हाइट ही क्यों, ऐसे खाना बनाने में तो और ज्यादा गंदा होता है ना, तो डेली डेली कपड़ा चेंज करेंगे तो उसको डेली फिचना होगा, फिर वॉश करना होगा, फिर से पहनना होगा, तो ये थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन हाँ वो जानना चाहिए, साइंस का लॉजिक है। तो यहाँ पर हम जाने क्या कि सेंटेंस इन आवर डेली लाइफ एंड स्पेशली इन आवर द सिलेबस मॉडल्स का यूज बहुत जरूरी है, और बहुत इजी वे में, जब हमें कभी परमिशन लेना हो या देना हो। और हम बात कर रहे थे फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि जब हम ड्रेस कोड देखते हैं, तो हम स्कूल जाते हैं तो उसमें हमारा क्या ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म, और वो यूनिफॉर्म क्या होता है, फॉर्मल ड्रेस कहलाता है, वो यूनिफॉर्म क्या कहलाता है, फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ भी पहन के चल गए, जो घर में पहनते हैं वो स्कूल भी चले गए। सर स्पोर्ट्स मैं में तो बर्थडे पे तो पहनते हैं ना अपना आपका, तो इनफॉर्मल आप ड्रेस. बर्थडे पार्टी है, पार्टी है तो पार्टी में ऐसा थोड़ी कि कुछ भी घर में जो पहनते हैं डेली, अब पार्टी में वही पहन के चल और गए, फिर बर्थडे पार्टी पार्टी थोड़ा में अच्छे चल हम. गए, तो सब चीज के लिए अलग अलग है। तो कहता है ना कि फॉर्मल क्या है ना, वो एक एक्स्ट्रा एंड ऑफिशियली, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मल को बोलते हैं ऑफिशियली। यहाँ से आप लोग समझना, एक पॉइंट हम देंगे यहाँ पर,
फॉर्मल लेटर हम जब पढ़ाएंगे ना, तो लेटर में भी पढ़ना होता है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। वहां पर हम ये नहीं समझाएंगे, लेटर में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं समझाएंगे, यहाँ आप लोग समझ लो ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझेंगे थोड़ा अच्छे से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक ऐसे हिंदी का बात करो बाबू, तो इसका हिंदी होता है बाबू औपचारिक और अनौपचारिक। और अनौपचारिक। हाँ राइट, औपचारिक एंड अनौपचारिक। तो फॉर्मल क्या होता है ना कि ऑफिशियल होता है, सर ये आपने तो पढ़ा ऑफिशियल भी दिया, अब होता तो लेटर में भी इजी हो जाएगा, है। लेटर हाँ राइट। हाँ बताया तो, लेटर में भी इसका यूज होता है और बहुत जगह पर फॉर्मल, यहाँ पर ये चेंज होता है फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। स्पेशली सर परमिशन में या तो कुछ है। हाँ स्पेशली फॉर ऑफिशियल यूजेस एट द गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड सभी जगह, एंड मैनेजमेंट एंड द बैंक मैनेजर, सभी सारे इसमें ऑफिशियल में आते हैं, हम यहाँ बताते हैं वहां पर हम लेटर में। इनफॉर्मल में क्या होता है वो, ये आप मैं फ्रेंड्स लिखना से, हम एंड्स समझा रहे हो फ्रेंड्स से आप कैसे बात करते हो, ए स्नो ये वो, मतलब जो भी अपना लैंग्वेज है उसमें कोई रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज हमें ऑनर देने के लिए नहीं वहां पर यूज किया जाता है, हम एज अ कैजुअल, यहाँ पर कैजुअल लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम लोग, कैजुअली जैसा सर। कैजुअली जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करते हैं, निरंतर जैसा हम लोग यूज करते हैं, फैमिली से अपने फैमिली से जैसे बात करते हैं, यानी फ्रेंड्स और फैमिली है ना, हमारे जो दोस्त हैं और हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों से हम जैसे बात करते हैं वैसे ही यदि बात कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है, और उसमें हम इनफॉर्मली मॉडल्स का जो यूज करेंगे वहां पर वो बताया गया था कि हम इनफॉर्मली यदि कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि सकना तो एक ही है, सकना एक ही है, लेकिन उस सकना में, हाँ उस सकना में परमिशन आ रहा है, तो अब हम सकना, अरे सर तो बताए हैं कैन का मतलब भी सकना होता है, अरे सर तो बताए हैं कि मे का मतलब भी सकना होता है, और दोनों का मतलब सकना होता है, अब हमें गेस क्या करना है। हाँ तो एक फॉर्मल होता है कि हम यूज कहाँ पर करना है, हमें ध्यान देना है कि हमें फ्रेंड से बात कर रहे हैं या फैमिली में बात कर रहे हैं या फिर हम कोई ऑफिशियल जगह पर प्लेस में बात कर रहे हैं, अब बैंक चले गए, पुलिस स्टेशन चले गए, रेलवे स्टेशन के काउंटर पर हैं, या हम ऑफिस में हैं या इंस्टीट्यूशन में हैं, फिर स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, प्रिंसिपल्स के रूम सर में हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, इन सभी जिनको हम ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, इन रिस्पेक्टफुल वर्ड्स को यूज करना है, तो वही तकना चेंज हो जाता है, और बहुत बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, परमिशन ले रहे हैं, मे आई सर, मे आई मैं सर, वही ड्रिंक लगे, वाटर। मे आई ड्री, वही चीज, मैं देखो एक चीज हम बताएंगे, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, अब यदि हम घर गए, घर में जाकर के, नहीं हाँ अपने किसी पूरे दोस्त के रूम घर गए तो दोस्त के घर जाके क्या में बोलेंगे, देखो यहाँ ध्यान देना, जो एक ही चीज को दोस्त के घर जाके बोलेंगे, क्या दोस्त मैं पानी पी सकता हूँ दोस्त, वहां क्या बोलेंगे, कैन आई ड्रिंक वाटर, अगर यस यू कैन ड्रिंक परमिशन अपने रिप्लाई भी क्या है, यस यू कैन, रिप्लाई में इतना ही, यस यू कैन। घर कभी भी अब नहीं यहाँ गए पर बात किया जाए, अब हम कभी घर इस पर पे किसी ध्यान दोस्त के यहाँ नहीं। नहीं गए हैं ठीक है ना, अब मैं हम ऑफिस में हैं ठीक है, ऑफिस में हमें प्यास लगी हुई, सर बैठे हुए हैं ऑफिस में, अब हम पानी पीना है, सर से बात होगा नहीं ऑफिस, नहीं मैं आई ड्रिंक वाटर्स मे आई क्या ड्रिंक वाटर, मे मैं आई हैव ड्रिंक वाटर क्या वाटर, होती मे आई सर ड्रिंक ऐसे वाटर, टीचर के सामने, स्पेशली टीचर के सामने बोले तो स्पेशली यही टीचर एक्सप्रेशन। नॉट, स्पेशली टीचर नॉट, स्पेशली फॉर सीनियर्स, स्पेशली फॉर सीनियर्स, जो भी हमसे सीनियर्स होंगे, जो भी हमसे सीनियर्स होंगे, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो हमारे टीचर्स हो या सर हो या मैडम हो, वहां पर हम स्पेशली मे का प्रयोग करते हैं, हमने अभी बताया, अब जैसा परमिशन लेना और देना हो गया, आपसे अब हम बताओ यूज करते हैं क्या, इसमें बताया गया था कैन में, कि कैन का तो अपना एक रूल है, कैपेसिटी और एबिलिटी और स्किल, हमने ये भी बताया था, यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर आपको कोई गुण दिखता है, उसके अंदर कोई काम करने की क्षमता है, उसके अंदर वो काम करने का ताकत है, यदि वो ताकत है, जैसे बोलेंगे कि राम रहीम को पीट सकता है, यानी राम जरूर ताकतवर होगा रहीम से, तो राम, ही वहां पर क्या यूज करेंगे, राम रहीम को पीट सकता है, तो हमें लगाएंगे, हाँ
नहीं लगाएंगे नो ना वहां, क्या सर, लगाएंगे, वहां लगाएंगे नो कैन, वहां उसका कैपेसिटी देखा जा रहा है, ताकत कैपेबिलिटी देखा जा रहा है, उसके अंदर है क्षमता कि वो पीट सकता है। जैसे राम, राम प्रभु राम भगवान राम रावण को मार सकते हैं, तो क्या मैं लगेगा, सर, क्या कैन लगेगा, एकदम 100% श्योर है कि राम के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि एक बाण खींचेंगे और एक बार में रावण को क्लास कर देंगे। तो कैपेसिटी हम समझ गए। अब कहता है कि सर, कैपेसिटी, तो कैन में आपने जो अभी बताया कैपेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है कैन, तो सर वो मतलब ऐसे मतलब जो होने हो सकता है उसके लिए यूज किया जाता है। हो सकता है तो वो तुम जो एग्जाम्पल जो दिए वो तुम रामायण वाला राम नहीं ले लेना, रामायण तो पास्ट का इवेंट है, हमने हाँ सर, वो एग्जाम्पल नहीं ले बताया लूंगा। कि राम एक लड़का है और रावण एक लड़का है जो ड्रामा कर रहा है, एज अ ड्रामा सर पे पे रोल कर रहा है, तो प्लेइंग अ रोल, तो प्लेइंग अ रोल में क्या होगा, हम क्या बोलते हैं जब ड्रामा देख रहे हैं, तो कोई राम बना हुआ है कोई रावण बना हुआ है, क्या बोलेंगे, यहाँ जो राम बना हुआ है वो रावण को 100% क्या होगा, तो वहां उल्टा हो सकता है कि रावण मार सकता है, नहीं हम लोग को मालूम है किसी का ताकत मालूम है। अब जैसे बताओगे कि सर, अब तुम हम ही ले लेते हैं, सर यहाँ पर जो बैठी हुई है आरोही बैठी हुई है, तो सर आरोही को पीट सकते हैं, तो क्या वहां पर मैं लगाएंगे, सर के अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको पीटने का, डांट सकते हैं तो क्या लगाएंगे, मैं लगाएंगे, तो जो चीज करने का अधिकार है कैन सर क्या लगाएंगे। चलो समझना, यदि समझ गया तो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने पढ़ा दिया प्रीवियस क्लास में चलिए। अब देखो मे के साथ एक प्रॉब्लम है, मे कैन का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन मे के साथ प्रॉब्लम है। मे कहता है कि हम परमिशन में आते हैं, लेकिन कौन सा और इनफॉर्मल कौन सा परमिशन है, फॉर्मल फॉर्मल परमिशन, इसमें फॉर्मल क्लियर ये बताए थे। फिर मे का प्रयोग हमने बताया था पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब कोई संभावना, काम होने पॉसिबल की संभावना, तो मे का जो हो पॉसिबिलिटी क्या सकता है। हो, जो मे का पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी काफी वीक होता है, हम बताएंगे यहाँ। पॉसिबिलिटी सिर्फ मे के साथ नहीं, पॉसिबिलिटी और भी किसी के साथ आता है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होता है वो वीक पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है ना, कैसे होता है वो हम बताएंगे जब तीनों को हम अरेंज, ठीक है। और क्या बताया थे मैंने, परमिशन लेंगे, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी प्रो एड अ सजेशन प्रोवाइड कैपेबिलिटी, सजेशन इसमें नहीं आता है सर, सर, प्रोविजन में कैप नहीं आएगा सर, रिक्वेस्ट सर, रिक्वेस्ट, और हमने बताया था रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाए थे और कुछ 10 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें हमने उसको एक एक का सॉल्यूशन करके हमने भेजा है ग्रुप में, उसमें देखना कि कहाँ पर हम कैन और कहाँ पर मे लगाते हैं, लगभग वो जिसका भी चेक किए हैं दादा रोही थी, हाँ किसका चेक किए हैं, उसका चेक करके हमने ग्रुप में डाला, ठीक है ना, आप देख सकते हो उसको, देखे हो, क्या सर देखे। थैंक यू होमवर्क फॉर दिए थे एग्जाम। ना पिछले बार, होमवर्क मिला था ना, 10 क्वेश्चन दिए थे, हाँ सर, वो आपने मेरा चेक करके नहीं भेजा था। सर नहीं यहाँ पर भेजे हैं, क्या नाम है इसका, नाम नहीं लिखी है, इसका चेक लिखी करते हैं, इसमें नहीं आया ना, एक तनु अभी भेजी है, देखो तनु का आया है, सर, अभी नहीं भेजी हूँ, मतलब आपको पर्सनल नंबर में भेजी थी, फिर आपने चेक नहीं किया तो आपको ग्रुप में। ठीक है मैं उसको चेक कर देंगे क्लास को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को हम आगे ले जाते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कैन और मैं पढ़े थे ना, आज हमें पढ़ना है कुड, कुड नहीं पढ़े थे, नो सर, आज फूड पढ़ेंगे पोस्ट हम, कितना आज हम लोग पढ़ेंगे कुड और पढ़ेंगे माइट, क्यों, माइक। हाँ माइट, जैसे याद करो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है कैन और क्या पढ़ाया है मे, पढ़ाया है ना, उसी से रिलेटेड है, ध्यान देते हैं। इसका पास्ट टेंस है, फूड हाँ पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, का पास्ट टेंस, फर्स्ट कैन का पॉइंट क्या पास्ट है, फर्स्ट टेंस। जा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है,
हम लोग लिख पास्ट, सकते हाँ द पास्ट टेंस हैं सर, ये सब ऑफ आप पिछले क्लास में लिखा चुके क्लास में हो गया था थे, ये सब आपने इसको कुछ कुछ सर। करने के होमवर्क लिए सॉल्यूशन नहीं ट्राई किए करवाएंगे सर, आपने कोड का थोड़ा सा दिया था तो, यस पर आपने सर, समझा भी दिया था बता कोड दिया का कि यूज होता है। हाँ ना सर, पास्ट्रम कोड हो गया, बस बिल्कुल, और माइट आपने कहा था समझा पढ़ाएंगे इस टाइम। ठीक है, एक बार कूड का देख लेते हैं, कूड का भी प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो पास्ट के लिए यूज करते हैं, जो काम सर नहीं हो सका, डू वी हैव यानी टू हमने आप राइट बोल रहे दिस? हैं नहीं हो सका, तो नहीं हो सका के लिए हमने, और अच्छे से समझेंगे, नहीं हो सका के लिए आज का क्लास है, तो इस प्रकार पास्ट सर के लिखना है लिए सर, नहीं हो सका। हाँ नहीं हो सका, होमवर्क सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूशन भेज, अभी तो बोले कि होमवर्क सॉल्यूशन करके हमने भेज दिया ग्रुप में, चेक करके भेजा है। फिर कुड का प्रयोग हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग और कहाँ करते हैं, इसका प रयोग भी हम परमिशन परमिशन के लिए करते हैं। ये परमिशन सजेशन क्या एंड है, ठीक रिक्वेस्ट, है, और कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, सजेशन सजेशन, और इसमें जो रिक्वेस्ट होता है वो कैसा रिक्वेस्ट होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट ठीक रिक्वेस्ट। है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सजेशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड में परमिशन, कुड वाला में परमिशन क्या हुआ था, कुड वाला में परमिशन क्या हुआ था, इसमें जो परमिशन होगा है ना, बताए थे कि उसमें फॉर्मली बताए थे, और ये वाला क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या दिए इसमें बताओ, एग्जाम्पल सर क्या एग्जाम्पल्स जो जो आप लिखाए थे वो बोले? सर हुड आई गो टू विजिट योर हाउस इन द सर, इन इवनिंग वी डैश द वॉच द टीवी, इवनिंग वी वी डैश डैश वॉच द वॉच द टीवी, टीवी, एंड सेकंड था डैश यू लेंड डैश यू लेंड थ्री मी रुपीज रुपीज 5,000, 500, डैश यू 500 5,000 था सर, फाइव हंड्रेड फाइव भी था। हाँ थाउजेंड था, आपने एक जीरो बाद में लगा दिया सर, 5,000 ठीक है, एंड सर, कुड फिर यू लेंड मी, सर आई डैश नॉट स्विम व्हेन आई वाज 5, हाँ एंड ओके फोर्थ समझ था गया, शी डैश नॉट सिंग व्हेन शी वाज हाँ सजेशन के लिए भी था, सजेशन यंग, के लिए शी प्लाट रिक्वेस्ट के डैश लिए भी, नॉट सिंग व्हेन शी वाज यंग। कुड नॉट She could not sing when she was young. सिंग, Singing यस था सर, सर, सिंग सिंग कुड when सिंग दिखाए होंगे, she was not young. then she was Young. young, Could you lend me? हाँ सर। could आपने you sing lend, हाँ क्यों could you ट्वाइस? lend Sad me please, होगा पिछला परमिशन के लिए, परमिशन के लिए सर, बताया गया क्या था, लिखे परमिशन के लिए बताया था, ₹5,000, सर? मुझे एक डाउट है, आपने ये जो मैंने जो कहा ना ये वाला, तो इधर ना आपने नॉट सैंग होगा ना, क्योंकि कोड तो पास्ट टेंस में है और ये पास्ट टेंस में बोल रहा है ना। देखो ध्यान रखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हो, अब करना चाहिए था, नोट एक लिखो, एक नोट लिखो, ठीक है, ध्यान देना, सब्जेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट लिंक करेगा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद कभी भी आपको मॉडल्स दिखे, सब्जेक्ट के बाद कभी भी मॉडल्स दिखे, तो मॉडल्स के बाद हमेशा ये V1 आता है बाबू, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है, चाहे वो मॉडल्स कैन हो, मे हो, कुड हो, माइट हो, शुड हो, वुड हो, कोई भी मॉडल का मतलब कोई भी मॉडल्स आएगा बाबू, कोई भी मॉडल्स आएगा, हमारा वर्ब V1 होगा। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर ये V1 प्रेजेंट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में नहीं है, कि इसको नहीं बोल देंगे कि सर ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में ये वर्ब नहीं है V1, वो वाला V1 नहीं जो वर्ब फॉर्म में पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4, यहाँ पर ये V1 जो है, ये जो V1 यहाँ पर काम कर रहा है, ये नन फिनाइट्स है, यहाँ पर ये नन फिनाइट्स है, नन फिनाइट्स का क्या डायरेक्ट बताते हैं, नन फिनाइट्स में से ये बेयर इन्फिनेटिव का काम करता है, यहाँ पर इसका जो पोजिशन है बेयर इन्फिनिटिव,
बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव हम जानते हैं 2+V1, इन्फिनिटिव हम लोग जानते हैं 2+V1, बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें और हम लोग को बहुत बार आता है क्वेश्चन में भी। इन्फिनिटिव में 2+V1 होता है, जैसे आई वॉन्ट टू गो, टू गो क्या है इन्फिनिटिव, हाँ मैं जाना चाहता हूँ, या मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, ठीक है। अब यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव आता है, जो भी मॉडल्स आएगा तो मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव भी वन आता है, कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर गलती से भी V2 नहीं भर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको लिखना है अभी नोट करके, एग्जाम्पल में देखिए क्या लिख सकते हैं कि सर जैसे कोड और आई, माइंड को डिफरेंशिएट करने के नीचे लिख सकते हैं। हाँ लिख दो ना, आई शुड डैश होम नाउ, अब यहाँ पर आपको भरने के लिए देगा, भर इस तरह से, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे आता है, आई शुड भर भरना है, यहाँ पर गो दे देगा, वेंट दे देगा, गॉन दे देगा, अब बोलो अपने से भरना है, तुम्हें मालूम रहेगा तो खुद भर दोगे। अब जैसे यहाँ पर लिखोगे यू कैन स्पेन, यहाँ पर टेक देगा, सुख तो सही देगा, क्वेश्चन मैंने पूछा। यही पूछे थे हाँ? हाँ सर मैं यही पूछी थी टेक अभी। होगा। चलो ठीक, दो वो एग्जाम्पल भी दे दिए इसको उतार करके, और तुमको अभी कभी भी गलती नहीं जाएगा, कोई भी मॉडल्स रहेगा, सूड रहे, कैन रहे, कुड रहे, दैट्स ऑल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैट में, मिटा दें आपको। सर नहीं लिखा सर। सर वो जो माइंड कोड वाला लिखने दीजिए ना। वो तो पिछला क्लास में लिखाए थे सब, परमिशन के लिए, सजेशन के लिए, और कुड के पास्ट के लिए, वह जा नहीं सका, ही कुड नॉट साइड हो जाइए लीव, हम। हाँ वर्षा होने के कारण वो नहीं जा सका, उसमें रीजन बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, साइड शायद यही उतार रहे हो अभी। यस सर। इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए एक एग्जांपल भी देंगे, कुड प्लीज Could you please move a little bit? बिट भी लगाते हैं, बिट Yes, sir. भी लगा देते हैं, ट्रेन ट्रेन में सबसे में ज्यादा यूज होता है, वहां पर ये सब भी करते बिल्कुल अच्छा, वहां पर हैं। अच्छा हाँ बताओ सर बिल्कुल, थोड़ा रूडली भी बातें वहां करते पर हैं। ये नहीं है, वहां पर यूडली इस तरह नहीं बोल सकते, कैन कैन यू मूव, कैन यू मूव अ लिटिल बिट, नहीं लग रहा है वहां पर, क्या ऐसे बोल लग रहे रहा है हैं, ऑर्डर दे रहे हैं सर। ये ऑर्डर बियर्ड देने, ऑर्डर दे रहे कभी हैं। हो सकता है, साइड अब हो सोचने वाला जाइए बात सर। है, सोचने वाला बात है, कैन यू प्लीज जो आप अभी लिखे वो लगाएंगे, लिखना प्लीज सर। तो लगा रहे हैं तो ज्यादा पोलाइटली बोल रहे हैं, हमने ना कैन यू मूव अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर, क्या तुम यहाँ से थोड़ा सा घसक सकते हो, अगला यदि मॉडल्स जानता होगा, इफ दे नो, यदि वो जानता प्लीज होगा, साइड तो हमारी गलती। यदि वो मॉडल जानता होगा तब बोलता होगा, सेट अप योर माउथ, बहुत बोल रहे हो, यू डोंट क्राई ओवर मी। अब सर यहाँ पर और क्या, ये रूडली रिक्वेस्ट दे रहा है। अब उसको हाँ रियली वो तो क्या करेगा, सर तुम कहते हो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर हमने उसको पोलाइट दिखाया, अब जैसे कुड यू प्लीज लगा दिया, अब जैसे डांस करना है, बोले चलो मेरे साथ डांस करो, चलो मेरे साथ डांस करो, वहां कूड नहीं, अब उड वाला में बताएंगे, उड वाला में तुमको पता होगा बहुत सारा, उड यू अप, उड यू प्लीज डांस विद मी, उड यू पढ़े होंगे, उड यू हैव अ कप ऑफ टी, और फिर आप पढ़े होंगे क्या, आई विल, विल यू, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही ट्रेडिशनल चल रहा था, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, समझ आ रहा, हाँ यहाँ सर पोलाइट है, यहाँ भी पोलाइट है, इसको पोलाइट भी समझना है, यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर क्यों नहीं बोल सकता था, ऐसा नहीं बोल सकता था, कैन यू मैरी मी, कैन का साइड हो जाइए। मतलब समझ में आ रहा है, वहां पर कैन का मतलब तुम्हारे वो अंदर फोन है भाग कैपेसिटी, जाएगी अगर इतना अब रूडनेस तुमको हाँ दिखाएगी निश्चित सर। रूप वो से फिर मना कर देगी। कैन, हाँ मैं कैन वाला मना नहीं ना होगा, अब वहां मैं क्यों नहीं कर सकते थे, विल ही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि विल का मतलब इच्छा होता है, विल का मतलब इच्छा होता है, तो वहां पर हम विल और वुड एक साथ बताएंगे कि विल और वुड का प्रयोग कैसे करते हैं, माइट वाला में आते हैं, ये हो गया पूरा, मिटाएंगे, पूरा मिटाएंगे अभी,
सर ये एग्जाम्पल लिख रही हूँ लिए, मिटा दीजिए सर। नो सर पूरा। मैम सर दो आई शुड मिनट। यस सर यस मिटा दीजिए। सर ये होमवर्क है क्या? अरे पहले CW चल रहा था, होमवर्क में घुस रही है। बच्चा ऐसे कर रही है ना, उसके पहले वाला क्लास में माइक का वो लास्ट प्रॉब्लम वाला है। माफ कीजिएगा सर, वो सेकेंड में क्या लिखे? यू सर, सबसे नीचे सेकंड में में अब यू कहाँ जाएगा। यू यू कैन डैश कैन सेम। सर, वो यू कैन वाला मत लिख चलो माइक में आता हूँ। माइक से हम दैट्स लोग क्या क्या कर इट्स सकते माइट हैं, माइक नॉट कहाँ, रेन टुडे माइक कहाँ लगा सकते हैं? वो माइक लगा सकते हैं ओके पास्ट और मे के जगह पर, है ना? तो ये पास्ट फॉर्म ऑफ मे है, यहाँ पास्ट फॉर्म लिख दो। पास्ट फॉर्म ऑफ मे, मे का पास्ट है, मे का जहाँ पर यूज होता था, तो ये पास्ट लिख सकता है। अब देखो यहाँ पर पास्ट के लिए कर सकते, जैसे वह जा सकता था, वह, हिंदी थोड़ा देना पड़ेगा, वह जा सकता था, यानी पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी है। दूसरा इट माइट नॉट रेन टुडे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी आएगा इसमें भी, इसमें पॉसिबिलिटी आएगा। देखो मे में भी पॉसिबिलिटी आया, मैट में भी पॉसिबिलिटी आया, ध्यान दें। सजेशन आएगा इसमें, ठीक है, माइट में सजेशन आएगा। तो पॉसिबिलिटी और सजेशन, एडवाइस एडवाइस नहीं आता है, ठीक है ना? एडवाइस को कंजर्व करके रखा है स्टूड। जब भी हम किसी को कोई एडवाइस, खासकर सलाह देते हैं, तो स्टूड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या, वह जा सकता था, लिख सकते हैं वह जा सकता था, ही माइट गोदे देयर। पॉसिबिलिटी के लिए जा सकता था, कैजुअली ऐसे ही बोल रहे हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। देखो पॉसिबिलिटी में क्या बोल सकते थे, इट माइट माइट आई बी, इट बिकम व्हाट आई माइट माइट बी। बी रेन टुडे। इट माइट बी नहीं, ये आई नहीं है। बिकम व्हाट आई माइट बी। इट में माइट बी रेन टुडे। रेन वाला में तो मे ही आएगा, उसमें पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी डालते हैं। यहाँ पर यह हो जाता है कि जैसे योर बुक माइट मे बी, माइट बी इन द रूम, हो सर रूम सकता है नहीं, यार, लाइक लाइब्रेरी लिख लीजिए, लाइब्रेरी अच्छा लाइब्रेरी, लगेगा। लाइब्रेरी इन द लाइब्रेरी, इन द में आपकी बुक लाइब्रेरी। क्या कर रहे हैं? एक और देखते हैं पॉसिबिलिटीज को लेकर के, कि बस आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है ना? कि रास्ते में हो सकती है, नहीं, इसको लिखना है, द बस माइट बी ऑन द वे, ठीक है? सजेशन में आते हैं, वो उसके कोई सजेशन देना है, जैसे ब्लैक से आ जाएंगे, सजेशन देना है, किसी को सजेशन दो माइट लगा कर को। माय क्या, यू माइट सिट देयर, यू माइट सिट देयर, यू माइट ट्राई दिस केक। तन्नू बाबू थोड़ा कम बोलिए, बोलिए, डिस्टर्ब होता सबको जी, नहीं तो भी इधर से रिमूव कर देंगे। और भी बच्चा ने माइट, बोली, यू माइट गो देयर, सजेशन अच्छा सजेशन होना चाहिए। तुम वहां जा सकते हो या नहीं भी जा सकते हो, मतलब जहां पर प्लस निगेटिव तो है, तुम वहां जा सकते हो, नहीं भी जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो यू माइट गो देयर, ठीक है? लेकिन एक और एग्जाम्पल दो, हरी हरी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, हरी माइट कम इन द पार्टी, तो हम देखेंगे माइट का प्रयोग पास्ट के लिए कर सकते थे, और इसके लिए पॉसिबिलिटी के लिए और सजेशन के लिए हुआ। अब इसका पॉसिबिलिटी में आपको ध्यान देना होगा कि
हमने आपको में भी पॉसिबिलिटी बताया है, मेन मेन जो कहानी है यहाँ पर बताएंगे, सबों के पूरा सबको उतार लिए। नहीं सर, यस सर, अभी भी कंफ्यूजन रह जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन को आप दूर करने के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी हम सब में देख रहे हैं, जहां जहां पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो उस पॉसिबिलिटी को दूर कैसे जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी से देता है। वो कैपेसिटी एबिलिटी वाला तो हम आराम से मार लेंगे, मतलब पास्ट एक वाला यदि कोड वाला भी हम सेंटेंस से मान लो समझ के मिनट समझ सर लेंगे कि हम बताइए। पढ़, माइट वाला में ज्यादा अधिकांश यूज माइट में हम सजेशन के लिए क्लिक किया करते हैं। नहीं तो नहीं लिखे सर, लिखा नहीं ये वाला, नहीं लिखा अभी, मतलब सर, सुन रहे थे कभी। यस अभी स्टार्ट किया है लिखना। अच्छा सर, इसका स्क्रीनशॉट हम भेजवा देंगे, ठीक है मिटा देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, सिलेबस भी चाहिएगा तो उतार लेना उसके बाद से। सर इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ग्रुप में भेज दिए हैं बाबू, लिख लीजिएगा ग्रुप से। यही लो है क्या? अभी अभी जो अभी जो आपके सेशन चल रहा है ना, ले पेज लिसन आपके। लिसन बाबू, अभी जो सेशन चल रहा है ना, कुड मे और माइट, बस इतना ही, इसका ही प्रॉब्लम है यहाँ, इसके बाद आपको आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी वो इसको इस भी इस प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए हम आपको बताए हैं कि पॉसिबिलिटी आपको सबसे ज्यादा लग रहा है, कैन का प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीबडी एल्स, कैन में कभी प्रॉब्लम आएगा? नहीं। मे में भी प्रॉब्लम आएगा? नहीं। मे में पॉसिबिलिटी आप देखिएगा, आप बना देंगे, देखिए हाँ पॉसिबिलिटी तीनों जगह आ रहा है सर। कुड में भी आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, मे भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और माइट में भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो इसके लिए कोई मतलब लिखा हुआ नहीं है, हम आपको एक लॉजिकल बता रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस को ड्रिल कर सकते हो। अभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया और वहां पर आपको संभावना व्यक्त कर रहा है, और ऑप्शन में आपको तीनों मिल रहा है, कुड भी मे भी और माइट भी, तो आप तो सोचोगे सर तो लिखवाए सब में पॉसिबिलिटी लिखाए हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, पॉसिबिलिटी का भी अपना एक रूप है। अब संभावना व्यक्त हो रहा है, तो एक संभावना ऐसा होता है जो वो काम क्या होगा 90 से 100% है कि वो हो जाएगा। 100 तो हम नहीं बोल सकते हैं ना, ये पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी है, 1% भी तो कम रहेगा। फाइव नाइन 99.99% नाइन है कि वो काम क्या होना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लगे वो सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। जैसे पॉसिबिलिटी कब ज्यादा लगता है, जब हम बोलते हैं क्या कि देखो कभी कभी हमने देखा है कि बादल इंडिया काफी गुड मंडराया वन हुआ, जस्ट बादल मैच काफी इंडिया मंडराया हुआ, जोर जोर से हवा भी चल रहा, लेकिन गुड बादल मंड रहा वन है, द हवा मैच। भी चल रहा है, और हम लोग अंदाजा लगा लिए और गेस कर लिए कि बारिश हो सकती है। अब बारिश हो सकती है तो वहां पर कभी लग सकता है, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे कभी नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि हम 90% दावा नहीं कर सकते हैं कि बारिश हो ही जाए, क्योंकि कभी कभी गरज कर वो रुक जाता है, चुप होके बैठ जाता है, हाँ हवा सर, बारिश आता है, बहुत बार ऐसा चल रही देखिए, है। तो हम उस समय 90% गेस नहीं कर सकते हैं। तो उसमें गेस क्या होता है, उसमें 50% गेस होता है, 50 to 60%। अब 50 से 60% गेस कर रहे हैं तो हो सकता है और नहीं है, बीच बीच वाले, तो एकदम मैं मारना है, अधिकांश एकदम 100% के एकदम लगेगा तो फूड है उसका एग्जाम। माइट का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में वो लगभग हो सकता है, नहीं के बराबर, नहीं कर ज्यादा है, और हाँ का पॉसिबिलिटी कम है, यानी वो चलेगा 30%। क्या चलेगा अच्छा ये, क्या चलेगा 30%। तो जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, पॉसिबिलिटी बहुत, जैसे हमने पॉसिबिलिटी माइट का भी लगाया है ना, जब लगेगा सेंटेंस में वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये जब लगेगा कि वो 50-50 चल रहा है, में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है। अब जैसे बोल रहे हैं क्या, एक एग्जांपल देखेंगे और उसको भरेंगे तो समझ में आएगा। अब जैसे पॉसिबिलिटी में
अब देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या लग रहा है, 50-50 लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? एकदम ज्यादा जैसे 50% बढ़ गया ज्यादा, तो ज्यादा के लिए आ गया था रामाक बंद के क्या बारे में, कुड अरुण कुड बिन द रेस, अरुण कुड बिन द रेस। देखिए 50-50 में आ जाएगा, जैसे देखो डांस नहीं, बता रहा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है तभी वहां पर मॉडल लगता है। हाँ साइड ही वाज थर्स्टी बता रहे हैं, अब बताओ वहां क्या होगा, मे या कुड? देखो दो, गुड। हम दो मैच करके दे रहे हैं। अब बताओ दूसरे वाले में कुड सर बताओ क्या करना चाहते हैं। में अब देखो ये स्नैक्स खाया है, स्नैक्स खाया अच्छा है तो क्या तुम याद करोगे, कभी तुम कुरकुरे नहीं, खाते हो या चिप्स खाते हो? जरूरी है कि तुम पानी पीवे करते हो उसके बाद? अंदर 100% नहीं है, 100% नहीं है, हम ज्यादा संभावना नहीं दे सकते क्यों, खाया है तो पीवे करेगा। तो यहाँ पर जब हम 100% नहीं देते हैं तो वहां 50% चांस होता है, तो क्या लगाते हैं? मे। लेकिन जब देख रहे हैं कि वह बहुत प्यासा है, दम कर मुझे पानी चाहिए है ना, तो लगे तब हम बोल सकते हैं कि वो पानी पी सकता है ना, उसका पानी के पीने का संभावना है क्योंकि वो प्यासा है, तब यहाँ माइक। का क्या करेंगे, माइट लगाएंगे अगला, यहाँ 30% में माइट लगाएंगे, ओ संभावना हाँ ना हाँ ज्यादा है, क्या लगाएंगे, गुड। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन को सेंस लगा के बनाते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक खत्म हुआ, आगे हम ले चलते हैं सेशन को। बिठा दें, नया चैप्टर कब शुरू करवाएंगे? मॉडल्स बस खत्म हो जाएगा, अगला संडे तक मॉडल्स खत्म करके असाइनमेंट दे देंगे आप लोग को, जो भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अभी आपको मेनली आपको बताना है शुड, वुड और और यूज। गुड हाँ, और टू शुड वुड शुड वुड, देखो शुड और टू और मस्ट एक बार में खत्म होगा, शायद अभी हम डिस्कशन करेंगे उसका, सर अभी उसका तुरंत तो वो बहुत इजी है वो सब इसलिए तो बता रहे हैं कि बहुत जी है, जो जो थोड़ा सोचने वाला था वो यहीं पर है। मिटा देना नो इसको, सर काम करो ना जल्दी, जल्दी करो। अभी हम लोग देखेंगे अगला संडे तक क्लियर कर देंगे इसको। स्टूड मस्ट और ऑट टू, तीनों को एक बार मैच दे व्हाट्सएप पे देना, भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे। हाँ लिख लो ना। डन सर डन हो गया, यस ठीक सर सर हमको ये कॉलम में लिखना है सर हाँ कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाएगा वो, कॉलम बन गया कहाँ मतलब चार कॉलम बन गए? देखो सर मेरे बुक यहाँ इसमें हिंदी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हमको इंग्लिश टू इंग्लिश बनाना है, फिर भी नाम आम जान जाते हैं कि सूट का मतलब भी चाहिए होता है,
मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है और ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन इसका यूजेस हमें कंडीशन पर देखना होगा कैसा सिचुएशन है। तो शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है कल ये जानेंगे। शुड का प्रयोग हम यदि किसी को एडवाइस, जनरल एडवाइस, जनरल एडवाइस देना है, सलाह देना है किसी को, तो शुड का बेहिचक कलम आराम से शुड का प्रयोग कीजिए। ऑब्लिगेशन, किसी काम को करने के लिए हमें कर्तव्य, हमारा जो नैतिक कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, सिंपल सा, और नेसेसिटी यदि उसकी आवश्यकता है। तो नीड किस किस कंडीशन में करते हैं, एडवाइस देने के लिए, ऑब्लिगेशन में और नेसेसिटी के लिए। होती है ना। हाँ उसमें आता, सब में अलग अलग आता है, नेसेसिटी इसमें भी आएगा। मस्ट में क्या होता है, मस्ट में आपको यहाँ पर जाता है रिकमेंडेशन भी होता है। मस्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग तो ऑब्लिगेशन, अब ये क्या होता है? अच्छा समझो उससे कुछ ज्यादा। अब जैसे यहां से समझो, नेसेसिटी में से समझो, तो यदि हम इसको बोलेंगे बाध्य करना किसी चीज को, काम को करने के लिए जब हम बाध्य करते हैं उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी देख सकते हैं, एडवाइस देना है तो एडवाइस दे दो, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, में डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। यू यू लुक्स तो यू लुक्स टेल, तुम पीले दिख रहे हो, मतलब मुरझाए हुए दिख रहे हो। टेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा पीले, तुम पीले दिख रहे हो या बीमार दिख रहे हो, तो तुम्हें यू शुड यानी एडवाइस दे रहे हैं हम। यू शुड, अब देखो एडवाइस क्या, बी शुड, ये एडवाइस है, एकदम नॉर्मल सा एडवाइस होना चाहिए, तुम्हें बाध्यता नहीं होना चाहिए। बी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, वी शुड वॉक इन द डिस्क्राइब मॉर्निंग। भी तो यूज कर सकते थे उस एग्जाम्पल एग्जाम्पल में। फर्स्ट डिस्क्राइब कैसे हो, यू शुड हाँ फिर यहाँ पर लिख सकते हैं बी, यहाँ और भी लिख सकते हैं वी शुड, डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब द पेशेंट नंबर। हाँ तो वो आगे का सेंटेंस हमें क्या बनाना है उसमें तो सेंटेंस में आएगा जनरली, और छोटा छोटा सेंटेंस पहले देख लेंगे। ही शुड, उसे जाना चाहिए वहां, चला है। ही शुड गो, ही शुड गो टू द स्कूल, या ही शुड गो देयर, ही शुड गो देयर, इस प्रकार से। तो लिखेंगे जल्दी जल्दी, सर आप इसके ठीक है। बाद हाँ आप इसके बाद होमवर्क कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग या फर्म, फर्म नेसेसिटी यानी किसी काम को करने के लिए हमें ज्यादा बाध्य किया जाए, फर्म नेसेसिटी आ गया या स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन आ गया, ठीक है ना। इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान देंगे। तो कोई भी काम यदि हम अवश्य रूप से हमें करना है, इसको जनरली हम ऐसे क्या बोलते हैं कि अवश्य रूप से करना, ऐसे ही बोलते हैं कि हमें अवश्य रूप से करना। यू मस्ट यहाँ लेट अ डॉग पर हम क्या थर्ड लाएंगे, टाइम देखो यू मस्ट मीट अ लॉयर फॉर यहाँ क्या है, यू योर केस। बता ना, यू सब पेन ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कि ये हमें जो मानना है द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, कौन सा तो रूल्स ऑफ ग्रामीण ट्रैफिक जो मानना है ये जनरली ऐसे ही ऑब्लिगेशन लगा हुआ है, हमारा नैतिक कर्तव्य है या फर्म नेसेसिटी है।
ये अनिवार्य है, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य, और ये काफी अनिवार्य कैसा है, तो अवश्य रूप से अनिवार्य है, तो अवश्य रूप से जहां भी आ जाए तो अनिवार्य है, लेकिन अवश्य रूप, यहाँ पर हम शुड, यू शुड ओबे नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यू मस्ट ओबे, हम लोगों को अवश्य रूप से ट्रैफिक रूल अपनाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मस्ट का प्रयोग है। नंबर आगे देखते हैं, और कहाँ ऑब्लिगेशन लग सकता है स्ट्रॉन्ग, हाँ अभी से देखो, आई डैश गो होम, अब यहाँ मस्ट लगेगा, शुड लगेगा, हम नहीं जानते हैं, मुझे घर जाना चाहिए नॉर्मली है या मस्ट है, मस्ट कब लगाएंगे, यहाँ भी हम लिख सकते हैं ही शुड गो होम, उसे घर हाँ जाना चाहिए नॉर्मली एडवाइस के लिए, ठीक है, हाँ लेकिन बोलेंगे आई डैश गो होम बिकॉज माई ग्रैंड पा, ही कैन सीरियस, अब बताओ, अब बताओ बिकेम सीरियस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या अब यहाँ शुड लगाएंगे, मेरे ग्रैंड पा क्या हो गए हैं, सीरियस हो गए, सीरियस हो गए हैं, तो हमें जाना चाहिए या अनिवार्य अवश्य रूप से देखने जाना चाहिए, तो अवश्य रूप से देखने जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमें अवश्य थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। आगे देखेंगे, बी डैश ओवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स, अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का आ गया, मच मानना चाहिए, मच तो सारा ये नेसेसिटी है, ये तो एकदम जरूरी है, कि एकदम जरूरी बोलते हैं तो मस्ट ही आ गया, इस प्रकार से है, बिल्कुल। ऑट टू में क्या आता है, आप वो इसको देखिए, ऑट टू में आता है मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का मतलब जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल हाँ ऑफ द स्टोरी में जो रहता है ना वो मोरल नैतिक कर्तव्य, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, जैसे यहाँ कहता है कि एवरी वन टू तो और टू लिसन गिव लिसन टू दियर, हेल्प द पुअर, दिक्कत है गरीबों को मदद करना। सारे उस बच्ची के दूसरा बी रेस्पेक्ट आवर एल्डर, बड़ों को आज्ञा मानना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यू डैश सर, ये डैश क्या है सर? डैश के अंदर आप अभी समझाओ। सभी को, हर किसी को गरीबों की मदद करनी चाहिए, दैट इज द मोरल ड्यूटी, सफाई रखनी चाहिए, यहां पर देखो हर किसी को, यानी कि बी स्टूडेंट, बी ऑट टू कीप आवर स्ट्रीट क्लीन, हम लोगों को सर अपना जो, गरीबी तो रखेंगे ये सब काम क्या है, ये सब जो काम यहाँ पर कार्य है, वे सब कार्य हमारा नैतिक कर्तव्य में आता है, कि हम आसपास या रूम की सफाई रखनी चाहिए या गली की सफाई रखनी चाहिए, यहाँ रूम भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर, क्योंकि सफाई करने का काम किसी और का भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सफाई हम लोग को भी कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर सभी जगह ऑट टू, जहाँ भी नैतिक कर्तव्य लगे ऑट टू, ऑट टू, ठीक है, लिख लीजिए, होमवर्क हम आपको अब नंबर में असाइनमेंट मस्त में नहीं हो भेजते हैं, सकता हाँ असाइनमेंट में भेजेंगे होमवर्क, सब लोग लिख लिए, चाहिए सब में सर चाहिए आपका, हाँ बोलो,
हाँ सेकंड नंबर में मस्त नहीं हो सकता। वी मस्ट रिस्पेक्ट, नहीं मस्ट नहीं देंगे, होता क्या है ना, बड़ों की आदर करनी चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर वी मस्ट आवर ओबे आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू, ये बताया जा रहा है, स्ट्रिक्ट सलाह दिया जा रहा है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट, सोसाइटी मस्ट आ सकता है। देखो यहाँ पर बताए, यदि ऑट टू नहीं है तो हमें तो मस्ट तो देना ही है, ऑट टू नहीं है तो मस्ट हम देंगे, उसके प्रकार में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा था ऑटो, ना, मतलब जो स्ट्रिक्टली बोले उसमें डालना है ना। स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन में ऑट टू आता है, हमें एक और लिखा है, रिकमेंडेशन लिखे हैं यहाँ, हम एक और लिख सकते थे, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन, पहले स्ट्रिक्ट लिख लेते रिकमेंडेशन। हाँ दिमाग खराब हो रहा है। इसे एवरीवन और टू, नहीं देंगे हम, मिटार भी देंगे। ओके सबका, बताओ दे दिया सिक्स, ना। हर किसी को अपना काम, हर किसी को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए। अब हम इसको बोल सकते हैं सिर्फ करनी चाहिए, लेकिन करेगा कि नहीं करेगा तो पता नहीं, देख नहीं सकते, और छू लगा कर बना देंगे, क्लियर ये करेगा तो यू आर है। अब अंडर किसी का ईमानदारी तो हम देख नहीं सकते कि ईमानदारी से किया कि नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन अपना अपना काम, तराजू ले लो, एकदम तावल के एकदम बराबर काम हुआ है कि नहीं, होता क्या है ना कि स्केल पावर का काम है मेजरमेंट, अरे करेंगे ना नहीं करेंगे, इस प्रकार से नहीं, हम मेरा ड्यूटी है, हम जानेंगे कि यदि मोरल कर्तव्य में आ रहा है, नैतिकता के नाम से कोई भी कर सकता है, यदि बहुत जरूरी है, फर्म नेसेसिटी हो गया, नहीं अनिवार्य रूप से वो करना, जनरली यदि आपको कुछ करना है, घूमना जाना चाहिए सलाह के तौर पर, सलाह जब भी सलाह तुमको लगे ना, सलाह लगे, जनरल ऑब्लिगेशन लगे तो आप लगा दें, ठीक है, क्लियर। आज का क्लास इतना ही, दैट्स ऑल। आप असाइनमेंट भेजने वाले हैं हाँ असाइनमेंट सर? आपका ग्रुप में बस 2 मिनट में चला जाएगा, असाइनमेंट भी जाएगा, और आप उसको आज कॉपी में उतारेंगे और वहां पर बताएंगे, ठीक है ना, उसमें लिखेंगे क्या करना है आपका, सर जो भी बता है इसके बाद, यूज आप टू मेरा बता चेक है, कर नहीं देंगे ना, करना भेज देंगे ना चेक है। हाँ करके। हाँ जो जो जिसका पिछला होमवर्क चेक करवाना है वो ग्रुप में डाल दो, आप ग्रुप में डाल देगा तो मैं उसका सर मैंने कॉपी तो चेक कर पहले ही डाल दूंगा। दिया ग्रुप में। हाँ ठीक है, अभी चेक करेंगे, देखेंगे, अभी डाल देंगे, ठीक है, चेक बाय करते हैं, सर, ओके बाय, बाय सर, ओके बाय दैट्स सर, ऑल, बाय सर, बाय बाय। सर। सर कोई है? हेलो, सर भी कहाँ गए? फिर बंद हो गया था हाँ अभी, जस्ट मतलब फोन ही कराया, तो क्लास के तो खत्म हो गया, बंद सर पता जाए, है। सर हाँ बाबू बोले, बाबू अब जा सकते हैं। ठीक है जाइए, सर कल आप मैथ्स में वही से पढ़ाओगे, ज्योमेट्री? सर हाँ कल आपका ज्योमेट्री बता देंगे बाबू, नहीं, ये क्या है? अच्छा अच्छा इतना सारा चैप्टर है, आपको ज्योमेट्री मिला? अरे तो माय ज्योमेट्री भी बहुत है सर बाबू, उसमें आपको टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ना है, बहुत सारा चीज सीखना है, नहीं पसंद। ना ही पसंद है तो पढ़ाई पसंद से थोड़ी होता बाबू, बाप पढ़ाई कॉन्सेप्ट से होता है। कितने टाइप के एंगल पढ़ी बाबू, क्या बोलते हैं, कहाँ गई जी काव्या, कितने 16 टाइप का एंगल पढ़ी काव्या,
एंगल्स बाबू इंटरनल है ना, सारा बता देंगे एक बार, हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह, ट्रायंगल कैसे बनाओगे, स्क्वायर कैसे बनाओगे, ये सब। सर सर इसको अलग अलग करके पाएंगे सर, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम अलग सर। अरे ज्योमेट्री मतलब एक होता है एरिया पेरीमीटर, वो अलग हो गया, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम सब एक ही बार कंस्ट्रक्शन बता देंगे आपका, ट्रायंगल कोई दिक्कत का नहीं वाला है। एंगल, क्या बाबू का भैया, ट्रायंगल वाला एंगल पढ़ाइएगा ट्राइंगल सर का भी। एंगल आपने कैसे, वो पढ़ा दो क्या, मीन मोड मीडियन? यस सर मीन सर, मोड मीडियन, वो आ रहा है एग्जाम में इस बार। तो वो बस बस यस सर, ग्राफ में बताए नहीं थे जी, सर मैंने नहीं किया था एग्जाम पढ़ा दीजिए तो आप सर इसको, छोड़ सर छोड़ दोगे तो दिक्कत ना बाबू, फिर से कंटिन्यूटी एग्जाम पढ़ा दिया था तो दीजिए सर, कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, छोड़ छोड़ फिर रहे से तो वही। पढ़ाई दीजिए। यस अच्छा मीन मीडियन मोड बाबू छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें ग्राफ सर, तो पढ़ोगे तो पहले वो छोटा पढ़ा दो फिर आप ज्योमेट्री पढ़ा देना। आपको बता देंगे, अपना फोटो का फोटो ये बुक का फोटो खींच के भेज दीजिए इसका, वो आपको आधा घंटा में का खनिया बता देंगे, बुक वाला, बुक में थोड़ा सा दिया हो रहता। सर तो इसको और एक महीना लगातार पढ़ाएगा तो इसको, ज्योमेट्री को कह क्या बाबू, रहे थे बीच में फिर साइंस को नहीं पढ़ाएगा, लगातार पढ़ाएगा फिर इसे छूट। सर साइंस वो थोड़ा सा है ना कोल पेट्रोलियम, तो वो 2 दिन पढ़ा देंगे उसको, दिक्कत क्या है। उसके बाद लगातार